टेरेसा चिल्ड्रन एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 के हिंदी विषय को, जिसमें हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 3, जिसका नाम था, पाठ का नाम है ऐसे थे वे। इसी पाठ में पीछे की ओर जो एक्सरसाइज दी गई है उसे हम बूझेंगे। पहला प्रश्न है भाषा की दुनिया, पृष्ठ संख्या 24। विलोम शब्द, तो हमें पता होना चाहिए कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे दूर, पास, अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, सुंदर, बदसूरत, बुद्धिमान, मूर्ख। तो ये सब क्या हैं? विलोम शब्द हैं। तो अब हम पढ़ेंगे दिए गए शब्दों में, विलोम शब्दों में हरे रंग से दिया गया है चिन्ह लगाकर, सही का निशान लगाकर बताइए। तो आपको पहला शब्द दिया गया है ईमानदारी, और ईमानदारी के आगे दिए गए हैं दो शब्द, बेईमानी और पुरस्कार। अब आप बताइए ईमानदारी का विलोम क्या होगा? बेईमानी। ईमानदारी का विलोम क्या होगा? बेईमान। कम, ज़्यादा, खिलना, मुरझाना, अच्छा, बुरा, गलत, सही। तो ये तो हमने पढ़ा विलोम शब्द को, आप इसको अपनी पुस्तक पर ही अभी अंकित करेंगे। तो बच्चों अब आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जिसमें दिया गया है लिंग किसे कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, जिन शब्दों से कोई भी शब्द जिससे उनकी जाति होने का पता चले। फिर से मैं पढ़ती हूँ, जिन शब्दों से उनके स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का अर्थ पता चले उन्हें लिंग कहते हैं। तो कोई भी शब्द हो जिससे हमें पता लगे ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये स्त्री है या पुरुष है, तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? लिंग। लिंग दो तरह के होते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब मैं बोलूँ बेटा तो वो क्या हुआ? पुल्लिंग। और अगर मैं बोलूँ बेटी तो क्या होगा? स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग शब्द हैं बेटा, नाना, घोड़ा। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द हैं बेटी, नानी, घोड़ी, लड़की, बालिका इत्यादि। तो अब आपको एक पंक्ति में पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, जैसे बालक, माली, पिता, बच्चा, लड़का। ये सब क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। अब आपको इनको मिलाना है स्त्रीलिंग शब्दों से। सब उल्टा पुल्टा दे रखा है, आपको दिए गए पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग शब्दों से मिलान करना है। तो ध्यान से करेंगे अपनी पुस्तक में, बालक को मिला देंगे बालिका से। हरे रंग की चिन्ह मैंने इन पे अलग अलग रंग से लगाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। माली लाल रंग से है, माली का स्त्रीलिंग क्या होगा? मालिन। छोटी की मात्रा आ जाएगी, माली मालिन। देन गुलाबी रंग से लिखा है पिता, माता। पिता का स्त्रीलिंग क्या है? माता। बच्चा, बच्चे का स्त्रीलिंग है बच्ची। लड़का, लड़का का स्त्रीलिंग है लड़की। एक बात और, आपको मुझे लगता है ये सब पहले से ही आता था, बालक, बालिका, माला, माली, मालिन, पिता, माता, बच्चा, बच्ची, लड़का, लड़की। ये सभी आपको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना पहले से ही आता है, लेकिन आप इनको अब लिखना सीखेंगे, कोई भी लिखते समय गलती नहीं करेंगे। आपको मौखिक अभ्यास भी करना है और लिखित अभ्यास भी। तो एक बार आप इसको प्रश्न को अपनी पुस्तक में 25 नंबर पृष्ठ पर दिया गया है, आप इसको वहाँ पर भी हल करेंगे, और साथ की साथ जैसा कि आप नेक्स्ट अगली पिक्चर में देख रहे हैं उसको
उसी प्रकार से कॉपी में भी लिखेंगे। बच्चों टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कल हम पढ़ेंगे आगे। धन्यवाद। अब क्या करो, हिंदी पढ़ा।